हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। हम लोग आ चुके हैं लाइव विद द DBD ग्रैंड फाइनल्स, लेडीज कप के ग्रैंड फाइनल्स के साथ। एंड जी, यहाँ पे दो मैचेस होने वाले हैं। एक सेकेंड, लाइव आ चुके हैं हम लोग लेडीज कप के साथ। इनका ग्रैंड फाइनल्स रहने वाला है और स्टार्ट हुई है नई लाइव स्ट्रीमिंग, हो गई है लाइव। इसका थंबनेल चेंज कर दूँ। हाय हाय टीसी समद, हाय वेलकम टू द स्ट्रीम। हसान सेकंड, क्या हुआ? हेलो मोहम्मद हवा वहाज, हाय वेलकम टू द सेकंड। मैं था जो भी था, रूम बनाओ। हसान कह रहा रूम है, फर्स्ट मैं हूँ। चलो मैं भी बात थी। हसान हाय गाइस, सब लोग आ जाओ यार। यार एक सेकेंड, इसका मुझे थंबनेल चेंज करना है। थंबनेल कौन सा? TDM टूर्नामेंट है? नहीं, TDM टूर्नामेंट नहीं है क्या? नहीं, हाँ हुआ, बता भी दे क्या होने लगा है। हमें SYT क्या होने लगा है अभी स्ट्रीम पर? सलाम वालेकुम, सलाम अलीज़े, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो डियर, हाय मलिक शबाज़, हाय। यार इस पे इनके फाइनल्स होंगे। आलू प्याज ले लो, आलू प्याज होने लगा है। अमीर गेमिंग सही कह रहा है, आलू प्याज ले लो। नहीं यार, ये BYTX DBD वालों की स्क्रिम्स हैं, उनके टू मैचेस हैं जिसको हमने होस्ट करना है। यहाँ पे कास्टिंग होने वाली है ज़बरदस्त किस्म की। ओ गॉड, यहाँ पे कास्टिंग होगी। यार तुम लोगों को मेरी आवाज़ें आ रही हैं, इसमें डिले ऐसा ही है। शापरो तुम लोगों की आवाज़ों जवाब मैं लेट दूंगी, मतलब तुम लोगों को लेट मिलेगा मेरा आंसर। बहरहाल 10 की वॉचिंग है, 10 लाइक कर दो, 50 लाइक्स कर दो यार इस स्ट्रीम पर। आलू प्याज ले लो, गोभी ले लो, गोभी ले लो।
गाइस हम लोग आ चुके हैं रूम में BYTXDBD बाबा YTX डेथ बाय डेमन्स की स्क्रिम्स हैं, वो भी गर्ल स्क्रिम्स हैं जिसका प्राइस पोल पता नहीं कितना है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो विन करेगी उनकी, इनके वैसे भी ये ग्रैंड फाइनल्स हैं और इनको पैसे मिलेंगे, पैसे पैसे पैसे। हाय सना खान, हाय, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसी हो सना? ठीक हो, मज़े में हो? कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, ओ माय गॉड, 69 लड़कियाँ, 69 खूबसूरत लड़कियाँ हैं, खूबसूरत खूबसूरत, करे भी दो, क्या करूँ अब, ऐश पार्टी सुकून रखो। आ चले लेके तुझे इसका थंबनेल चेंज हुआ या नहीं, क्या होने लगा है, हम इंक्लूड होंगे? नहीं, तुम लोग नहीं इंक्लूड हो गए, वैस वाइटी छुट्टी करो तुम। एस्ट्रो, एस्ट्रो शेजिल भी है, वेलकम टू द स्ट्रीम, हाय शरी, ये सब मिल गए हैं पागल बना रहे हमें, ये सब मिल गए हमें पागल बना रहे, राजपूत, हाँ हाँ बहुत ओके, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रिवेंजर, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द स्ट्रीम मिस्टर रिवेंजर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मिस्टर रिवेंजर, तुम बताओ कैसे हो? यार हुमा बाजी, यार हुमा बाजी मज़ा नहीं आ रहा फजूल में, अरे एस वाई टी, वाह, मस्ती नहीं करो यार, इसमें डिले है। ओके जी गाइस हम लोग आ चुके हैं रूम में, गाइस ओके जी हम लोग रूम में आ चुके हैं, फ्लाइट पाथ यहाँ से बन चुका है मिलिट्री बेस से शूटिंग रेंज का, एंड यहाँ पे जी नेक्स्ट ईयर सेजल है टीम थ्री में, ईमान है साथ में, आमना रहने वाली है, BYTXI8 सना है, स्टार किड है, BYT का लाइनअप है, बाजी 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 क्या हो गया है बाजी बाजी, क्यों रोला तुमने डाला हुआ है मुझे ये बताओ, सुपर चेक चेक किया है, ठीक है अल्लाह का शुक्र है। अरे रिवेंजर
आज 3G का स्क्वाड है, गबरू माया है, गबरू ब्लैक है साथ में, और यहाँ पे जी फ्लाइट पाथ बन चुका है, टीम्स अपनी अपनी जानब लैंड होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे डिफरेंट टीम्स रहने वाले हैं, डिफरेंट गर्ल्स की टीम है जो कि यहाँ पे हमें फाइट करती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे इनका ग्रैंड फाइनल चलने वाला है। एंड इरेंगल की बात करें तो यहाँ पे मैप जो कि इरेंगल है, और भाई फर्स्ट मैच जो कि मैप जो इरेंगल रहने वाला है। सुपर चैट चेक कर रहा हूँ, माँ कहाँ पे सुपर चैट चेक करूँ, और किधर है सुपर चैट, सुपर चैट किधर है, कौन सी सुपर चैट कहाँ से चेक करूँ। बहरहाल जो भी है, यहाँ पे अगर हम बात करें मिलिट्री बेस पे, हमें यहाँ पे ओबियसली यहाँ पे PH का स्क्वाड विद BYT की दो गर्ल्स के साथ रहने वाला है, मतलब दो PH की रहने वाली है एंड दो BYT की। एंड यहाँ पे अगर हम B4 की बात करें, B4 X कोको, ये पता नहीं क्या B4X4VK, अच्छा तो यहाँ पे ये वाला स्क्वाड पचिंकी के जाने भी यहाँ पे हमें लूट करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे हमें नेक्सस की टीम भी, दो टीमें हमें यहाँ पे फाइट लेते हुए, अगर हम यहाँ पे बात करें छोटे छोटे कंपाउंड्स की जानी भी हमें टीम 13 LP5 की और LP5 जो कि हमें यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर नज़र आएंगी। फिलहाल यहाँ पे टीम्स जो कि हमें लूट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ टीम यहाँ पे गाड़ी से रोटेशन लेके और जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम R3G की बात करें तो ये लोग यहाँ से हमें फ्लैंक करती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल जी, ये लोग मिलिट्री की जाने पर अगर हम यहाँ पे टीम 17 को देखें, यहाँ पे यहाँ पे, और जॉर्जिया सिटी में दो टीम्स हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। फिलहाल यहाँ पे सारी की सारी टीम्स जो कि हमें लूट करती हुई नज़र आ रही है। रिलैक्स, कस्टम्स नहीं बनाओगे साथ, नहीं यार, ये टाइटल से देख लो क्या लिखा हुआ है, BYTXDBT गर्ल्स नाइट आउट ग्रैंड फिनालिस, समझ रहे हो ये केड़ी सुपर चैट कहाँ पे है। और वहाँ पे नेक्शियस वालों की, पचिंकी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें पचिंकी में नेक्शियस की थोड़ी सी फाइट लेती हुई नज़र आई। यहाँ पे दो प्लेयर्स नेक्शियस के डाउन है, नेक्शियस ईमान हेज़ल यहाँ पे रिवाइव कर दिए गए ईमान की जानब से, यहाँ पे शायद पीछे की जानब फ्लैंक करते हुए नज़र आए। बिल्कुल ईमान यहाँ पे पीछे की जानब चली गई है एंड यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवाइव कर दिया गया, आमना को भी रिवाइव दिया जाएगा। एंड टीम 13 यहाँ पे अच्छी तरह इनके साथ फाइट लेती हुई नज़र आई। यहाँ पे दो प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया गया था टीम 13 की जानब से। और अगर हम टीम 13 की बात करें, ईमान की बात करें, तो यहाँ पे ईमान जो कि हमें रूफ पे रहने वाली, यहाँ पे रूफ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है जाके, ताकि यहाँ पे एक डिफरेंट एंगल मिल सके, बट यहाँ पे नाकामयाब हो चुकी है। नाकामी की वजह से यहाँ पे बिल्कुल जी ये छत के ऊपर नहीं चढ़ पाई, लेकिन यहाँ पे दोबारा ट्राई करें। एंड यहाँ पे ईमान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया गया दूसरी टीम के एक प्लेयर की जानिब से, यहाँ पे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो कर दी गई। शुक्र है यहाँ पे, अगर यहाँ पे नॉक हो जाता है तो यहाँ पे टीम 12 यहाँ पे डायरेक्ट पुश करती हुई नज़र आएंगे। एंड टीम 12 की अगर हम बात करें तो B4X है और ईमान जो कि हमें छत के ऊपर ही नज़र आएंगी, ईमान तो यहाँ पे है, हेज़ल भी यहाँ पे, दोनों के दोनों प्लेयर्स हमें छत के ऊपर नज़र आएंगे। वहाँ पे जी नेक्सियस हेज़ल का OP ग्रेनेड एंड यहाँ पे जी टीम 12 के एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया, हेज़ल जो कि हमें रूफ के ऊपर नज़र आएंगे। एंड यहाँ पे हेज़ल नीचे आ चुके हैं, मजेस्टी कोको मीमी ये रहने वाले, एक को नॉक और फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पे जी ईमान को भी नॉक कर दिया गया, हेज़ल जो कि हमें यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे पुश किया जाएगा या नहीं, ईमान यहाँ पे है और हेज़ल यहाँ पे रिवाइव करेंगी या नहीं, लेट्स सी। हेज़ल यहाँ पे जी रिवाइव के लिए जा रही हैं और नहीं यार, हेज़ल मुझे लगता है यहाँ पे रिवाइव नहीं करेंगे, पीछे की जानिब जा रही है, यहाँ से भागने की कोशिश करेंगी। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, जैस कैश चेक करो, अच्छा जैस कैश चेक करें, सही सही सही, ओके ओके। हमारे रूम में तो ऐसी कमेंट्री नहीं होती गेमिंग में, यहाँ से ओके।
अच्छा करेंगे आपके रूम्स में भी. लेकिन अगर हेजल यहाँ से जी बैक की जानिब जा रही है, वहाँ पे ईमान और आमिना दोनों को नौकर फिनिश कर दे, यहाँ पे लूट करते करते जाती हुई नज़र आ रही है. अगर हम डीबीडी की बात करें तो डीबीडी के यहाँ पे स्क्वाड रहने वाला है. डीबीडी में अगर हम बात करें तो R2W, जेरी, शानजे, बिशु एंड ईमान जो कि हमें यहाँ पे अपार्टमेंट्स में नज़र आएंगे, एंड यहाँ पे इनकी जानिब से फ़िलहाल तो यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है एंड कैम्प किया हुआ है और लूट भी साथ ही साथ की जा रही है. जैसे सर्कल कुछ ही टाइम में यहाँ पे सर्कल श्रिंक होगा तो टीम्स बिल्कुल आमने सामने क्लोज आएंगी और शायद फिर थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है एंड यहाँ पे जोन का थोड़ा सा है. जोन जैसे ही क्लोज होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्ट्रीम्स को आमने सामने जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक हमें अच्छी फाइट देखने को मिलेगी टीम्स की जानिब पे. अगर हम यहाँ पे टीम क्लाउन की बात करें तो टीम 9 में टीम क्लाउन रहने वाले जो कि हमें मेल्टा की जानिब नज़र आएंगी एंड ये लोग यहाँ पे फ़िलहाल सारी की सारी टीम्स बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं और मेल्टा के अंदर R3G वालों ने होल्ड किया हुआ है. R3G, ओ सीरियस कॉमेंट्री टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान थैंक यू थैंक यू थैंक यू. गाइस जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द स्ट्रीम इफ यू लाइक द स्ट्रीम. इफ़ यू लाइक द स्ट्रीम देन लाइक प्रेस द लाइक बटन. एक सेकेंड इसकी ब्राइटनेस कम करूँ. और ये सनाया पोलियाना में कौन सी टीम है? ये सनाया पोलियाना में सवाद का स्क्वाड है विद 777. आई डोंट नो ये 777 है या सवाद, लेकिन यहाँ पे ये लोग लूट करके रिलैक्स होती हुई नज़र आ रही हैं. नहीं नहीं आप ना बात करें. ओके टीपू सुल्तान ओके जी ओके. ओके डीबीडी ने पीडीपी किसी की बात नहीं करे. अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिटी में जॉर्जो सिटी में दो प्लेयर्स यहाँ पे टेक डाउन कर दिए गए. IYD की दो प्लेयर्स को नॉक और फिनिश कर दिया. आशी को यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है. IYV जो कि टीम 10 यहाँ पे आपस में टीम 12 टीम 17 एंड टीम 10 जो कि हमें फाइट करती हुई नज़र आए. यहाँ पे दो दो प्लेयर्स इन लोगों के ख़त्म हो चुके हैं. दो प्लेयर्स रहने वाले सारा यहाँ पे ग्रेनेड करती हुई नज़र आ रही है. क्या यहाँ पे मोली या ग्रेनेड कनेक्ट हो पाएगा? यानी लेट्स सी यहाँ पे जी सारा का ग्रेनेड तो हैवी था बट यहाँ पे लेट्स सी क्या करती हैं सारा. एक और ग्रेनेड को किया जा रहा है. ओ भाई सारा यहाँ पे जी ज़बरदस्त किस्म की फाइट होती हुई नज़र आए. दोनों टीम्स आमने एक टीम ऊपर की तरफ रहने वाली है. IYD एंड IVY दोनों दो दो प्लेयर्स हैं. यहाँ पे कोई भी टीम जो है ना आगे नहीं आ रही. यहाँ पे हीलिंग की कमी रहने वाली है इनके पास. ये लोग फ़िलहाल तो जोन में है बट यहाँ पे जोन श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है और देखते हैं. एट्रिक्स गर्ल्स दिखाओ निशा जफर कह रही है. पता नहीं ये कहाँ है मुझे देखने दो. ये ठीक 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 टीम 20 फिलहाल यहाँ पे फाइट होती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पे आयशा सारा की जानिब से एक और ग्रेनेड कुक किया जा रहा है. क्या यहाँ पे ग्रेनेड कनेक्ट होगा या नहीं? यहाँ पे मोल्टोव्स रैंडम किए जा रहे हैं सारा की जानिब से डिफरेंट जगहों पे. टैग्स कह रही हूँ सारा ग्रेनेड और मोल्टोव्स करती हुई नज़र आ रही हैं. और लेट्स सी क्या यहाँ पे एक भी ग्रेनेड कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे एक भी नॉक बना तो यहाँ पे शायद टीम 17 की जर्नी ख़तरे में आ सकती है. लेट्स सी हाँ तो इनकी टीम्स को एक जैसे ड्रेस पहना देना.
हाँ रिवेंजर, मैंने तुम्हें पहचान लिया। ओके जी लेट्स गो, हम यहाँ पे एट्रिक्स की जानब बढ़ते हैं। एट्रिक्स बेला भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, एट्रिक्स की जानब से यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। यहाँ पे BYT टीम 4 जो कि यहाँ पे एट्रिक्स वालों के साथ फाइट करती हुई नज़र आ रही है, छोटे सारे कंपाउंड्स के अंदर चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे नॉक पड़े हैं और यहाँ पे बेला को कन्फर्म कर दिया गया है। और क्या नाम है, एट्रिक्स हूँ भाई चिपकी हुई है यहाँ पे जी। सारे टीम 20 बिल्कुल तीनों के तीनों प्लेयर्स एक साथ रहने वाले हैं वहाँ पे। टीम 4 यहाँ पे मोलोटोव्स करती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जी ओ वाह, यहाँ पे क्या ज़बरदस्त नॉक किया गया इसकी जानिब से। एट्रिक्स के यहाँ पे दो प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं, तिरफ और तिरफ यहाँ पे अकेली। ओ भाई यहाँ पे एट्रिक्स वालों की जर्नी ख़त्म हो चुकी है। BYT वालों ने यहाँ पे, बाबा YT के स्क्वाड ने यहाँ पे जी 4 किल के साथ यहाँ पे इन लोगों की जर्नी ख़त्म कर दी है। लूना को रिवाइव किया जाएगा। और यहाँ पे जी अगर हम बात करें तो IYD के अभी भी दोनों टीम्स, IVY एंड IYD वाले अभी भी जिंदा है। और अगर C9XTS वालों की बात करें, ये लोग जोन के बाहर हमें यहाँ पे टीम लूट करती हुई नजर आ रही। पापा की पढ़िया उड़ ना जाए पबजी खेलते वक्त। ये कौन सा रूम है गाइज, ये स्क्रिम्स के मैचेस हैं, ये DBD वालों की स्क्रिम्स के मैचेस हैं। BYTX DBD टीम 11 दिखा दें, टीम 11 देख लो। मैं टीम 11 ही दिखा रही हूँ, क्या बात है। C9X अरीशा अहमद, सो यहाँ पे ये लोग जोन की जानिब टीम 11 जो है अपने अपनी अलहदा अलहदा बग्गियाँ गाड़ियाँ लेके जा रही हैं जोन की जानिब। फाइनली वहाँ पे IV वालों की जर्नी ख़त्म कर दी गई है VTL वालों की जानिब से। एंड हम चलते हैं ड्रॉप के पास। अगर देखें तो यहाँ पे ड्रॉप के पास हमें काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुल्तान एक्स क्वीन है, गबरू माया है। यहाँ पे माया को रिवाइव दिया जा रहा है। यहाँ पे ये लोग ड्रॉप के पास ओपन में हमें रिवाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर हम बात करें तो क्योरफ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इनके क्लोज से नज़र आती हुई नज़र आ रही थी, बट वो यहाँ से चली गई हैं। अगर यहाँ पे बिल्कुल नज़र पड़ती तो शायद थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल पेश हो सकती थी, बट वो लोग शूटिंग रेंज की जानब बढ़ती हुई नज़र आई हैं। अगर हम रोज़ो की तरफ चलें तो रोज़ो के यहाँ पे हमें बिल्कुल खाली नज़र आने वाला है, बट वहाँ पे फैम आमिना भी गुस्से में थोड़ा सा नज़र आ रही है। C9 वाले यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, एक पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक अच्छी सा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे ये लोग होल्ड कर सकते हैं। सारी की सारी टीम्स की कोशिश होती है किसी ना किसी तरह यहाँ पे मिड को होल्ड कर लिया जाए, सबसे पहले होल्ड किया जाए। बट यहाँ पे आफिया शायद यहाँ पे स्काउटिंग करती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ बंदे हैं कहाँ एनिमीज है। ओ भाई आफिया तो मुझे बहुत गुस्से में नज़र आ रही है। यहाँ पर आफिया ने तो भाई बग्गी से ही छलांगे मार दी हैं। यहाँ पर शायद आफिया बहुत एग्रेशन के साथ नज़र आ रही है भाई। यहाँ पर अपनी गाड़ी को एक दफ़ा रोका पुश करती हुई नज़र आई, बट यहाँ से दोबारा से गाड़ी लेके ये लोग जा रहे हैं और ये लोग आ चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे शूटिंग रेंज की बात करें, टीम 4 जो कि थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक रश और एग्रेशन के साथ गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे जो टीम्स हैं उनको टारगेट करती हुई नज़र आ रही है, उनकी पोजिशंस को मतलब जो पोजीशन उनके पास है उनको अपने नाम करने, उनको फतह करने के लिए पुश करती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या QRF वालों को इजीली यहाँ से इस जगह से खाली करवा पाती हैं। लेट्स सी क्या यहाँ पे BYTX I8 लूना किसी एक को डाउन कर पाती हैं या नहीं। लेट्स सी ये गन से नहीं। ओ भाई टीपू सुल्तान चुप कर जो टीपू सुल्तान। प्यारी प्यारी पबजी की प्रो गर्ल्स हैं। और लूना यहाँ से बिल्कुल गाड़ी लेके जा रही, सर्कल एक दफ़ा फिर से श्रिंक हो चुका है, सर्कल छोटा सारा रहने वाला है। और गर्ल्स यहाँ पे अभी तक 49 प्लेयर्स जिंदा रहने वाली हैं। और लेट्स सी ये रूबी एक शैक के अंदर होल्ड किया हुआ रूबी ने। और हम चलते हैं जी R3G वर्सेस सवात 777 777 है।
सारा का एटम बॉम्ब दे दो भाई, ले लो टीपू सुल्तान, आप एटम बॉम्ब ले लो, सारा कोई रख लो, वैसे भी सारा मर गई है, पूरी की पूरी सारा कोई ले लो। अच्छा यहाँ पे फ्रोस्ट ट्राई करिए किसी ना किसी तरह, यहाँ पे शैक पे चढ़ने की कोशिश करी, बट यहाँ पे शायद ही एंगल्स ढूंढे जा रहे हैं फ्रोस्ट की जानिब से। यार फ्रोस्ट यहाँ पे क्या करिए, फाइट नहीं लेंगे। 777 ये लोग जोन के अंदर रहने वाले, एक अच्छी जगह पे हैं। कुछ टीमें जो कि यहाँ पे जोन से बाहर ही फाइट लेती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि टायरो का अगर हम बात करें तो टायरो का स्क्वाड हमें जोन से बाहर नज़र आ रहा है। टायरो माया की तो जर्नी वैसे ही ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे मुझे मिरहा और किट कैट की भी जर्नी ख़त्म हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टीम 24 में लेबा है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है सर्वाइव करती हुई, बकाया दोनों प्लेयर्स नॉक फिनिश हो चुकी हैं। और फैम की अगर हम बात करें, जेरी, लीजा, आमिना, कश्यप, यहाँ पे ये लोग अभी तक सर्वाइव करी हैं। एंड यहाँ पे ये लोग अच्छी पोजीशन ढूंढने की कोशिश में, सही है यहाँ पे रोटेशन इनकी जानब से ली जा रही है, रोटेशन लेके सर्कल की जानब जाया जाएगा, शूटिंग रेंज से बिल्कुल जोन दूसरी जानब चला गया। सर्कल अभी भी इतना छोटा हो चुका है। एंड यहाँ पे 39 प्लेयर्स, BYT बोट, ओके परिसर, पबजी प्लेयर, ओके ओके ओके, नो इट्स ओके। तो यहाँ पे जी टीम 22 ने PH आयरा को सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे जी गाड़ी लेके चारों के चारों प्लेयर्स आयरा की जानिब जाते हुए नजर आए। यहाँ पे आयरा की जर्नी क्या, यहाँ पे आयरा सेवली, बट ना ही यहाँ पे आयरा की गाड़ी को फैम काशिफ की जानिब से ब्लास्ट कर दिया गया। यहाँ पे फैम वाले बिल्कुल जी, यहाँ पे एक प्लेयर थी जिसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया PH का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बैकपैक में 3 किल्स रहने वाले, और यहाँ पे 32 प्लेयर्स अभी तक जिंदा है। यहाँ पे सारी की सारी टीम्स यहाँ पे H2H सर्वाइव करते हैं। और QRF की बात करें तो अभी तक यहाँ पे हमें QRF लूट करती हुई नज़र आ रही। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द स्ट्रीम पबजी नूब, हाय। एंड यहाँ पे ये लोग भी गाड़ी लेके निकलेंगी, बिल्कुल जोन अभी भी ज़्यादा छोटा हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल जो है बन चुका है। एंड यहाँ पे अभी भी 10 प्लेयर्स, 10 टीमें और 32 प्लेयर्स जिंदा हैं यहाँ पे। लेट्स सी कौन सी टीम चिकन करती है। और एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूँ गाइज, ये हैं BYTX DBD की गर्ल्स नाइट आउट स्क्रिम्स, जिसका ग्रैंड फाइनल्स चल रहा है, और ग्रैंड फाइनल्स हैं, तो लेट्स सी कौन सी टीम विन करती है। ओ भाई फटी हुई गाड़ी, यहाँ पे QRF रूबी जो कि हमें एक डेंजरस सी बग्गी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रिस्क ही है, यहाँ पे कुछ ही शॉट्स में ये गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर यहाँ पे, ओ माय गॉड, सेफली यहाँ पे रूबी आ चुकी है यहाँ पे डैमेज्ड गाड़ी में, और यहाँ पे जी सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है फैम वालों के प्लेयर्स को। फैम वर्सेस यहाँ पे जी QRF, दोनों की आमने सामने, दोनों की फाइट हो रही है। एक प्लेयर, दोनों टीम्स के एक एक प्लेयर्स नॉक पड़े हैं, दोनों प्लेयर्स के एक एक नॉक पड़े हैं। और ग्रेनेड फैंडी का, ग्रेनेड OP ग्रेनेड फैंडी का, और यहाँ से जी ओपन से रश करती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जी फैंडी ने, QRF फैंडी जो कि यहाँ पे एक एग्रेशन के साथ खेलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम फैंडी को देखें, और यहाँ पे 3 प्लेयर्स टेक डाउन है। फेम आमिना रह चुके हैं, यहाँ पे जी फेम वालों का स्क्वाड ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जी 5 किल्स के साथ इन लोगों ने एक स्क्वाड, फैम वालों का स्क्वाड जो कि बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था, हर टीम के ऊपर रश करते हुए नज़र आ रहे थे, बट यहाँ पे फाइनली उन लोगों की चंडी को ख़त्म कर दिया गया बाई QRF की जाने से। R3G के स्क्वाड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लोग H पे रहने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। गाइज इन लोगों के 2 मैचेस हैं ग्रैंड फाइनल्स के, एक मैच ये है, इसके बाद एक और मैच होगा।
वाओ फ्रोस्ट यहाँ पे जी मीमी को टेक डाउन करेंगे एंड यहाँ पे ज़बरदस्त प्यारा सा एक नॉक कर दिया गया है फ्रोज की जानिब से। और अगर हम बात करें सर्कल काफ़ी ज़्यादा छोटा है और प्लेयर्स यहाँ पे 20 प्लेयर्स रहने वाले। सुल्ताना एक्स क्वीन क्या करें यहाँ पे जी, ओपन से हमें जोन की जानिब जानी नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे ज़रा सा भी सपोर्ट कर लिया गया सुल्ताना क्वीन को तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी हमें यहाँ पे BYD का स्क्वाड हमें जोन से बाहर नज़र आएगा और सारी की सारी टीम्स आमने सामने नज़र। और बिल्कुल जी यहाँ पे सुल्ताना क्वीन को सपोर्ट कर लिया गया है टीम 4 की जानिब से। यहाँ पे जी सुल्ताना क्वीन को नॉक कर दिया, यहाँ पे मुश्किल है कि यहाँ पे रिवाइव मिले एंड यहाँ पे जी कंफर्म कर दिया गया क्यूर एफ वाले। यहाँ पे हमें गाड़ी लेके जोन की जानिब और यहाँ पे जी PH नवाली की जानिब आ चुके एंड ओ भाई नवाली यहाँ पे जी गाड़ी के अंदर ही एक प्लेयर को यहाँ पे फैंडी रूबी को यहाँ पे ज़बरदस्त नॉक किया था। बट यहाँ पे जी रिवाइव किया जाएगा, 2 प्लेयर्स को नॉक किया गया था। अभी भी अगर हम बात करें तो टीम 6 में अभी भी एक प्लेयर रहने वाला है। हाई रिदर, हाई वेलकम टू द स्ट्रीम BYT बॉट, जो कि यहाँ पे नवाली को रिवाइव करती हुई यहाँ पे रूबी को रिवाइव कर दिया गया और यहाँ पे क्यूरफ रेंडम फायर करते हुए। बट यहाँ पे जोन भी आ रहा है और गाड़ी की हालत और सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे मुश्किल है कि यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही टीम जो कि यहाँ पे सरवाइव कर पाती है, क्या पता दोनों की दोनों ही टीम्स की जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो जाए क्योंकि जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लास्ट सर्कल है और नवाली को आग ही आग लगा दी गया। नवाली यहाँ पे फिर से नॉक हो चुके हैं यहाँ पे बॉट को और यहाँ पे जी वाओ यहाँ पे जी टीम PH वालों की जर्नी ख़त्म कर दी गई है रूबी की जानिब से। सो यहाँ पे रूबी के पास 2 हेल्थ किट्स रहने वाले हैं, यहाँ पे इजीली मेरे ख्याल से जोन की जानिब बढ़ जाएंगी। यहाँ पे हेल्थ लगानी चाहिए इनको और लेट्स सी क्या यहाँ पे हुआ। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, अभी आई मैं बोल ही नहीं रही थी यार। और फाइनली यहाँ पे रूबी जोन की आ चुकी है, जोन के एच पे रहने वाली है। एंड यहाँ पे अगर हम टीम क्लाउन की बात करें, टीम क्लाउन यहाँ पे हमें शैक वॉच टावर के पास अभी तक 0 किल के साथ ये स्क्वाड सरवाइव करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेवन को देखा जाए तो रेवन यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुकी हैं और गाड़ी में लास्ट सेकेंड्स में यहाँ पे ये लोग जोन में जाएंगी। और ये BYT की अगर हम बात करें, BYT XI8 बहुत उम्दा खेल रही है यहाँ पे जी, 7 किल्स के साथ हैं ये लोग। और जी जी ओ लेट्स सी स्मोक्स किए जा रहे हैं लूना की जानिब से, स्मोक्स करके जोन की जानिब जाएंगे। जोन के अंदर ऑलरेडी टीम्स रहने वाले ड्रॉप की। अगर हम मेजेसिटी की बात करें तो 4VK मेजेसिटी और यहाँ पे जी टीम क्लाउन। ओ भाई साहब मेजेसिटी यहाँ पे जी मेजेसिटी BY B4Y की जर्नी यहाँ पे B4X 4V की जर्नी ख़त्म हो चुकी है टीम क्लाउन की जानिब से। यहाँ पे जी इन लोगों की जर्नी ख़त्म हो गई एंड यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे रश किया गया। और लेकिन यहाँ पे मेजेस्टी की जानिब से कोशिश की गई कि यहाँ पे किसी एक को नॉक किया जाए लेकिन नहीं। और स्टारकिड को देखें तो स्टारकिड बिल्कुल एज पे रहने वाली है BYITX लूना को। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं क्यूरफ टीम 19 की जानिब से और यहाँ पे स्टारकिड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी हैं और ज़बरदस्त किस्म के ग्रेनेड्स कर रही हैं क्यूरफ फेंडी। दोनों की दोनों टीम्स यहाँ पे एक ही प्लेयर को टारगेट किया हुआ है और दोनों टीम्स की जानिब से यहाँ पे ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। R3G ब्लिट्स को देखें तो यहाँ पे गाड़ी लेके जा रही हैं और होप यहाँ पे खुले में लेटी हुई नज़र आएंगी एंड फ्रोस्ट भी यहाँ पे एक कवर में नज़र आएंगी। और स्टारकिट फिनिश यहाँ पे BYIT वालों की जर्नी ख़त्म हो गई है और ग्रेनेड किया जा रहा है यहाँ पे रैंडम ब्लिट्स की जानिब से ग्रेनेड किया जा रहा है। बट यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं रहने वाला, ऐसे ही रैंडम ग्रेनेड्स करती हुई हमें R3G ब्लिट्स की लड़की नज़र आएंगी। साथ में होप है इन लोगों के 6 किल रहने वाले स्मोक के अंदर ग्रेनेड करेंगी। लेट्स सी यहाँ पे कोई भी एक प्लेयर यहाँ पे इनका नोक हो जाएगा टीम क्लाउन का तो थोड़ा सा एक सिचुएशन जो है इनके कंट्रोल में आ सकती है। लेट्स सी बट यहाँ पे अभी भी अगर हम देखें तो 4 टीमें जिंदा रहने वाले, फेंडी जो कि हमें दोनों सरवाइव करती हुई यहाँ पे ओवरऑल स्मोक करती हुई नज़र आ रही है। बट यहाँ पे दोनों जानिब से कहीं ना कहीं पड़ेंगी। गबरू माया
वर्सेस फैंडी, और यहाँ पे जी फैंडी की जर्नी ख़त्म हो चुकी है और गबरू माया यहाँ पे जोन के अंदर ही कंफर्म हो जाएंगे। दोनों की जानिब से एक ज़बरदस्त इंटेंस फाइट देखने को मिली, बट वहाँ पे फैंडी जाते जाते माया को भी साथ ले गई, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R3G वर्सेस टीम क्लाउन, R3G वर्सेस टीम क्लाउन, दोनों टीम्स रह चुके हैं और दोनों ही भाई 4v3 सिचुएशन है, R3G वर्सेस टीम क्लाउन। लेट्स सी कौन सी टीम चिकन लेती है। और भाई यहाँ पे जोन कुछ इस लम्हात में यहाँ पे सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, भाई गाड़ी बिल्कुल उस जोन से बाहर। ब्लिट्स यहाँ पे हमें जोन से बाहर नजर आ रही है भाई। ब्लिट्स ये क्या किया तुमने? ओ भाई तबाह, व्हाट इज दिस, ये क्या किया ब्लिट्स, इतनी अच्छी जगह छोड़ के यहाँ पे अपनी जर्नी को खत्म करा दिया। व्हाई फ्रॉस्ट, ओनली द फ्रोज जो कि यहाँ पे रह चुके हैं। क्लाउन टीम क्लाउन के दो प्लेयर्स एक डाउन है, यहाँ पे नोक पड़े हैं फ्लोर, यहाँ पे हमें स्टेल्थ मोड पे नजर आएंगे। माली को यहाँ पे सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे फ्रोज ने एक और प्लेयर को नॉक कर दिया। ओनली द फ्लोर जो कि यहाँ पे रह चुके हैं और कंफर्म करेंगे, एंड यहाँ पे जी रिवाइव। ओ भाई और यहाँ पे जी दोबारा से नॉक कर दिया गया, ओनली द फ्लोर यहाँ पे रह चुकी हैं रेंड, और यहाँ पे ओपी ओपी इन द चैट। यहाँ पे भाई R3G की फ्रोस्ट ने पूरे स्क्वाड को वाइप कर दिया, जबरदस्त। यहाँ पे जी टीम क्लाउन अकेली रह चुकी थी जिसको यहाँ पे फ्रोस्ट की जानिब से ओ माय गॉड यहाँ पे जी चिकन डिनर कर लिया गया R3G वालों ने। विनर विनर चिकन डिनर #R3G #2 टीम क्लाउन #3 गबरू का स्क्वाड #4 क्यूरफ एंड #5BYTXI8 एंड #6B4X4VK #7PH एंड #8 नेक्स्ट ईयर एंड #9FEN एंड #10LP5 #11 पे C9XTF #12777 एंड #13 टायरो एंड #4X1Flakes चूजी एंड #15IYD एंड #16 7 एंड #17IVY एंड #18DBD एंड #19Atrix का स्क्वाड है। हेलो हाय आमिर खान, हाय वेलकम टू द स्ट्रीम अमार खान। फर्स्ट रूम का चिकन डिनर किया गया है R3G वाले, एंड यहाँ पे कुछ ही लम्हे में सेकंड रूम का आईडी पास आएगा और हम दो रूम्स रहने वाले हैं लोग।
हेलो रिदा, लॉन्ग टाइम नो सी यू गाइस. जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ यार स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. नेक्स्ट रूम होगा? नेक्स्ट रूम नहीं है यार, ये स्क्रिम्स के मैचेस हैं उन लोगों के, लड़कियों के. इट्स नॉट अ कस्टम रूम, इट्स अ स्क्रिम्स, इट्स अ ग्रैंड फिनालेस. ग्रैंड फिनाले है भाई. ओके जी, हम लोग आ चुके हैं सेकंड रूम के लिए. ओके जी, हम लोग आ चुके हैं रीबी री बी वाई टी एक्स के सेकंड रूम के लिए. एंड यहाँ पे जी जो मैप रहने वाला है सेकंड रूम का, वो है मिरामर.
एंड यहाँ पे फिलहाल सारी की सारी टीम्स आते हुए नजर आ रही हैं। और एक मिनट, सही ये गर्ल्स का फाइनल है, सेमी फाइनल है गाइस, क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम तैयब खान। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द स्ट्रीम तैयब खान, कैसे हो। और यहाँ पे 8 सेकंड्स के बाद फ्लाइट पाथ बनेगा। लेट्स सी फ्लाइट पाथ किस जानेब बढ़ता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें 76 प्लेयर्स रहने वाले। और यहाँ पे अगर हम लाइनअप्स की बात करें जो कि हमें यहाँ पे खेलती हुई नज़र आएंगी, तो वो है सबसे पहले नेक्शियस है, BYT है, ईमान और DBD का स्क्वाड है, आयरा, PHIRA, R3G, सुल्ताना, टीम क्लाउन एंड IVY। ये जो स्क्वाड्स हैं यहाँ पे हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे DBD, BYT, TX वालों की ग्रैंड फाइनल्स के सेकंड मैच है। और फ्लाइट पाथ जी यहाँ पे बन चुका है ला और यहाँ पे फ्लाइट पाथ बन चुका है। लेट्स सी टीम कहाँ कहाँ लैंड होती हैं और किस जानेब उतरती हैं। यहाँ पे इन सब के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं एंड वहाँ पे बिल्कुल टीम्स वहाँ पे उतरेगी। अगर हम यहाँ पे टायरों के बात करें तो टायरों यहाँ पे बिल्कुल लैंड होते हुए हमें नज़र आ रही है। लेट्स सी कहाँ पे टीम प्लेयर्स, टीम मेट्स, टीम कहाँ पे लैंड होती हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ टीम यहाँ पे हमें अर्ली उतरते हुए लैंड होती हुई नज़र आ रही है, कुछ यहाँ पे एंड तक उतरेंगी। एंड लेट्स सी यहाँ पे किस कुछ टीम्स के शायद यहाँ पे ड्रॉप क्लैशेस हमें देखने को एंड अर्ली फाइट्स देखने को कुछ टीम की जानिब से देखने को मिले। बट यहाँ पे कोशिश सारी की सारी टीम्स की जानिब से की जाएगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चिकन वो निकाले। बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक से बढ़ एक टीम खेलने वाली होती है एंड यहाँ पे फाइट लेना और सर्वाइव करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। और ऊपर से गर्ल्स स्क्रिम्स की बात करें तो यहाँ पे
गर्ल्स जो बहुत उम्दा खेलती हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो लॉस लियोन्स के जानब हमें दो स्क्वाड्स नज़र आएंगे और LP5 यहाँ पे हमें फ़िलहाल लूट करती हुई नज़र आ रही है। और बिल्कुल जी यहाँ पे इनके अगर हम बात करें तो PH का स्क्वाड भी हमें यहीं पे नज़र आएगा, लॉस लियोन्स के इलाके में, सिटी में। और पिकार्डो में अगर हम R3D की बात करें, जेबी R3D और नेक्शियस जो कि हमें अर्ली फाइट्स लेती हुई नज़र आ रही है, और IYD वर्सेस नेक्शियस जो कि हमें यहाँ पे फाइट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को नॉक और फिनिश कर दिया गया। नेक्शियस मरियम रह चुकी है, हेजल है, ईमान है, शहजादी है, और टीम 17 वालों की जर्नी ख़त्म हो चुकी है। इनके बिल्कुल हमें सामने टीम क्लाउन नज़र आएगी 2 किल्स के साथ। हेजल यहाँ पे FKS और उजी के साथ फाइट लेती हुई नज़र आ रही थी, बट यहाँ पे ज़बरदस्त 1 किल इनके बैकपैक में रहने वाला है, वहाँ ईमान को रिवाइव किया जा रहा है, और यहाँ पे M4 मिल चुकी है हेजल को। और लेट्स सी। और ये यहाँ पे अगर हम बात करें R3D वाले, तो फिलहाल ये भी यहाँ पे हमें गन के बगैर ही नज़र आ रही है। यहाँ पे पैरा मोमो वॉयलेट एंड यहाँ पे एक स्क्वाड IYD जो कि अर्ली फाइट पे तो एलिमिनेट हो चुका है बाय नेक्शस की जानिब से। टीम क्लाउन की आईडी ऑफलाइन खड़ी है। ओह, तो 2 स्क्वाड्स रहने वाले हैं भाई, 3 स्क्वाड रहने वाले हैं। B4 ने भी अपनी एंट्री कर दी है यहाँ पे, नेक्शियस वाले तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ से हमें राइट से फ्लैंक करते हुए नज़र आ रही हैं। और टीम 7, टीम 12 R3D वालों के लिए मुश्किल है भाई, सैंडविच सिचुएशन है यहाँ पे। लेट की क्रेट लूटती हुई नज़र आ रही है फिलहाल, यहाँ पे फायर किए जा रहे हैं। रोज़ को टेक डाउन कर दिया गया फिरोज ने, R3G वालों ने लास्ट रैंगल में चिकन डिनर किया था, और यहाँ पे जो रोज़ की भी जर्नी ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ फ्यूरी रह चुके हैं, फ्यूरी ऊपर की जानब है एंड वो बिल्कुल यहाँ पे पुश नहीं करेगी क्योंकि वो यहाँ से सर्वाइव करने की कोशिश करेगी। और टीम क्लाउन यहाँ से हमें जाती हुई नज़र आ रही है भाई, टीम क्लाउन का एक प्लेयर रह चुका है KID जो कि ऑफलाइन खड़ा है, बाकी यहाँ से तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ से हमें मूव कर चुके हैं, मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। छुमा चेरा DBD के स्क्वाड हमें छुमा चेरा के बिल्कुल आसपास नज़र आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो छुमा चेरा में भी हमें 2 स्क्वाड नज़र आएंगे DBD, उसके अलावा 3 INXT TS का स्क्वाड पूरा का पूरा, दोनों स्क्वाड्स छुमा चेरा में यहाँ पे होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जी शान से रहने वाली है, फुल होल्ड किया हुआ ईमान यहाँ पे आगे की जाने क्लोज इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वहाँ पे 2 ही रहने वाली है, और बकाया यहाँ पे शायद प्लेयर्स यहाँ से दूर रहने वाले ओनली। और यहाँ पे भाई जोई को सपोर्ट कर लिया गया, यहाँ पे शांज की जानिब से नॉक और फिनिश कर दिया गया, यहाँ पे 1 किल ऐड कर लिया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियाना और आफिया एंड शीहा रह चुके हैं, और बीशु बिल्कुल सामने की जानिब है भाई। यहाँ से अगर हम बात करें तो बीशु को बिल्कुल सपोर्ट कर लिया गया जियाना की जानिब से यहाँ पे। और इनके पास अगर लूट की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जियाना के पास लूट की कमी रहने वाली है। हाय हारिस, हाय, वेलकम टू द स्ट्रीम।
आफिया एंड शेहा नॉक डाउन है वहाँ पे जी, डीबी डीबीशू के जाने से फिस्ट करके कंफर्म कर दिया है। ज़ियाना यहाँ पे अकेली रह चुकी हैं और ज़ियाना यहाँ पे क्या यहाँ पे फाइट लेंगी या नहीं डीबीडी वालों के साथ, या यहाँ से बिल्कुल भाग जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे ज़ियाना क्या करती है। ज़ियाना के पास अगर हम लूट की बात करें, स्कारल एंड थॉम्पसन रहने वाली है, और लेट्स सी ज़ियाना क्या करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें इनके बिल्कुल पैक में दो प्लेयर्स रहने वाले हैं यहाँ पे इजीली। अगर हम चाहें तो शानजे और ईमान ऊपर की जानब रहने वाले यहाँ पे बाइक लेके जाके जा सकते हैं, बट यहाँ पे देखते हैं ज़ियाना की क्या स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलती है। अगर हम टीम्स की बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी टीम हमें जोन की जानब जाती हुई नज़र आएंगी। बिल्कुल यहाँ पे जोन कुछ ही सेकेंड्स में श्रिंक हो रहा, एंड यहाँ पे सारी की सारी टीम्स वीक लेके जाएंगे। एंड पिकाडो की अगर हम बात करें तो पिकाडो में यहाँ पे दो प्लेयर्स रहने वाले, दो टीम्स रहने वाली हैं, और R3D वाले यहाँ पे फुल ऑन होल्ड सीन ऑन है। और भाई यहाँ पे लूना को ओ भाई कैम करके यहाँ पे ज़बरदस्त वॉयलेट की जानिब से होल्ड करके वॉयलेट को कंफर्म नॉक और फिनिश कर दिया गया वहाँ पे। लूना को यहाँ पे इनका भी एक प्लेयर नॉक पड़ा है जिसको रिवाइव करने के लिए जाएंगी यानी लिट्सी। ओ भाई यहाँ पे वॉयलेट बिल्कुल, यहाँ पे वॉयलेट की जानिब से बिल्कुल एक ज़बरदस्त हमें मूवमेंट देखने को मिली, बट यहाँ पे इन लोगों ने उनकी जर्नी BYT वालों ने R3D वालों की जर्नी को ख़त्म कर दिया। कैन बी प्ले यू कान प्ले फाहद क्या चल रहा है यार, स्क्रिम्स चल रही हैं, स्क्रिम्स का सेकंड मैच है, उनके ग्रैंड फाइनल चल रहे हैं लड़कियों के। चुड़ैल्स, वाइटी, एट्रिक्स और आमिना, यहाँ पे चुड़ैल आ चुकी है इनको रिवाइव करने के लिए। यहाँ पे दस्ती दस्ती रिवाइव किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेक्शियस की बात करें तो नेक्शियस की टीम यहाँ पे जी मिरामर में हमें यहाँ पे एग्रेशन के साथ खेलती नज़र आ रही है यहाँ पे, जिनके पास 7 किल्स रहने वाले हैं। यहाँ पे शहज़ादी की बात करें तो 1 किल के साथ है, हेज़ल 2 किल्स के साथ, ईमान 2 किल्स के साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम मरीम की बात करें तो मरीम जो कि अपनी जर्नी को ख़त्म कर चुकी है, एंड यहाँ पे इनके अभी तक 7 किल्स हैं। और यहाँ पे जोन छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे जोंग जोन 2 मिनट के बाद जोन श्रिंक हो जाएगा, और यहाँ पे ये लोग गबरू की बात करें तो गबरू का स्क्वाड 4 किल्स के साथ है। हेलो हुमा मैडम अभी तक होस्ट कर रही हैं। हाँ ना यार, ये लास्ट रूम है, इसको बस होस्ट करना है, उसके बाद फिर बस सोने के लिए जाएंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज गया यार, मैं इस टाइम तक सो जाती हूँ। इसके बाद बनाओगी सना? सैम खान कह रहे हैं नहीं यार इसके बाद नहीं बनेंगे यार, वो जो रूम्स बनाने थे वो मैंने रात को 9 बजे बना लिए हैं। ये तो होस्टिंग स्क्रिम्स के मैचेस हैं और उसमें एक वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिले है, तो इसमें नहीं रूम्स कल बनाएंगे इंशाल्लाह दोपहर में 3 बजे। आप सब लोग दोपहर में अगर आप खेलना चाहते हो आप दोपहर में 3 बजे खेलना, ठीक है जी? सही है ना? FM जलाद फैन सलाम वालेकुम, अस्सलाम, वेलकम टू द स्ट्रीम FM जलाद, कैसे हो, ठीक हो? गबरू माया हमें यहाँ पे जी बग्गी के साथ स्काउटिंग करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये लोग जोन की जानिब जाएंगी,
777 अभी तक अलाइव है यहाँ पे, ये लोग भी जोन की जानेब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सारी की सारी टीम्स हमें गाड़ियों में नजर आएंगी, एक मिड के जानेब आती हुई। अगर पीएच की बात करें तो पीएच बिल्कुल मिड के जानेब आ चुकी हैं और बकाया यहाँ पे टीम्स आ रही हैं। ओके जी, यहाँ पे फैम लीजा की बात करें, फैम फैम एंड यहाँ पे R3G के दोनों टीम्स बिल्कुल आमने सामने यहाँ पे लीजा की जानिब से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे टीम 7 की R3G वाली, अगर हम R3G की बात करें तो लास्ट मैच के मैच में R3G बिल्कुल हमें सर्वाइव में एक होल्ड करती हुई नज़र आई, लेकिन एंड में क्या ज़बरदस्त किस्म की एग्रेशन देखने को मिली। अगर हम फ्रोस्ट की बात करें तो लास्ट में क्या ज़बरदस्त 1v4 क्या क्या फ्रोस्ट की जानिब से। एंड यस, यहाँ पे जी R3G की टीम प्लेयर्स दोनों के दोनों आमने सामने हैं। स्टार्टिंग में कुछ टीम्स यहाँ पर सर्वाइव करती हैं, लास्ट में वही ज़बरदस्त किस्म का एक पावर पैक परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती हैं 7 की बात करें। और अगर मिरामर में आपकी बात करें तो रेंगल से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट मैप रहने वाला। और यहाँ पे जी स्माइलिंग को जो है नॉक कर दिया है बाय 7 देस रिहा की जानिब से। रेंगल एक डिफरेंट मैप है, बट अगर हम मिरामर की बात करें तो मिरामर जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट मैप एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ खेलने को देखने को मिलता है। और कुछ टीम्स यहाँ पे मिरामर में, कुछ टीम्स रैंगल में बहुत ज़बरदस्त खेलती है, बट कुछ टीम्स यहाँ पे रैंगल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलती हैं। ओके साना खान, ओके सैम खान, ओके 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 गाइस, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन। एंड आप सब लोग यार बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिन लोगों ने अभी तक प्रेस नहीं किया। अकेली यहाँ पे टीम 12 में सिर्फ और सिर्फ फ्यूरी रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे BYT वालों की बात करें तो यहाँ पे एक प्लेयर के नुकसान के साथ यहाँ पे ये लोग 3 प्लेयर्स के साथ खेलती हुई नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर की जनब हमें 7 का स्क्वाड नज़र आएगा। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट पे अभी हमें यहाँ पे एक स्क्वाड नज़र आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे उमाइमा को सपोर्ट कर लिया गया बाय I8 सना की जानिब से। एंड यहाँ पे एक परफेक्ट पोजीशन का, एक परफेक्ट एम का वेट करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे जी रेंडम फायर दिया गया सना की जानिब से, बट यहाँ पे बिल्कुल भी बुलेट्स रजिस्टर्ड नहीं हुई। यहाँ पे सना अकेली रहने वाली है। और अगर हम सना की बात करें तो सना के बिल्कुल पास से हमें एक स्क्वाड पास होता हुआ नज़र आया और वो यहाँ से सुकून से चला गया। अगर हम डेजी की बात करें, डेजी जो कि हमें यहाँ पे बग्गी लेके जाती हुई नज़र आ रही हैं, और इनके बिल्कुल साथ ही साथ सारे चारों के चारों प्लेयर्स अलग अलग व्हीकल्स पे सरवाइव करती हुई नज़र आएंगी। एंड यहाँ पे ये लोग जोन की जानिब जाएंगी। उसके अलावा हमें यहाँ पे चुरेल्स YT की अगर हम टीम की बात करें तो यहाँ पे जी एक्ट्रिक्स प्रोफेशन जो कि ट्रिक्स जो भी हैं यहाँ पे कंफर्म हो चुकी हैं, बज एंड आमिना रह चुकी हैं, और चुरेल्स YT यहाँ पे 0 किल के साथ हैं। ये लोग ये वाला स्क्वाड
और लेट्स सी, गबरू ब्लैक, गबरू ब्लैक गे, यहाँ पे गबरू ब्लैक को सना की जानेब से नॉक करते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं सुल्ताना क्वीन, यहाँ पे इनको रिवाइव करेंगी। एंड अगर प्लेयर्स और टीम्स हैं, जोन बिल्कुल छोटा सा रहा है और यहाँ पे अभी भी 14 टीम्स हैं, यहाँ पे दूसरी प्लेयर्स की जानेब से कवर फायर दिया जा रहा है, यहाँ पे स्मोक कर दी गया। अगर हम BYT की बात करें तो राइट से फ्लैंक मारते हुए नजर आए, यहाँ पे जी गबरू माया को नॉक कर दिया। और यहाँ पे जी DBD बिशु भी आ चुकी हैं, और यहाँ पे जी Team5 भी थर्ड पार्टी करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जी गबरू ब्लैक एक दफ़ा फिर से नॉक हो चुकी हैं, माया और ब्लैक। यहाँ पे DBD वालों ने भी यार पीछे से एक ज़बरदस्त थर्ड पार्टी करती हुई नज़र आई हैं। यहाँ पे सुल्ताना इनको रिवाइव कर चुके हैं गबरू। ओ भाई यहाँ पे स्माइलिंग का ग्रेनेड, ओ माई गॉड, यहाँ पे जी गबरू की जर्नी जो है ना, बस यहाँ पे जी गबरू की किस्मत थोड़ी सी खराब लग रही है। बट यहाँ पे एक ही ग्रेनेड से दो प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया, सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे हमें चिपकी हुई नज़र आ रहे हैं। और भाई यहाँ पे सुल्ताना क्वीन ने यहाँ पे जी Team8 की जर्नी ख़त्म हो चुकी है स्माइलिंग की जाने से। यहाँ पे स्माइलिंग जो कि 3 किल्स के साथ रहने वाली है ज़बरदस्त यहाँ पे। और यहाँ पे जी DBD वाले, ओ भाई यहाँ पे शानजे का ग्रेनेड हैवी, यहाँ पे जी शानजे ने OP ग्रेनेड फेंका यहाँ पे जी Team5, और यहाँ पे जी स्कोप ग्लिच आई है स्माइलिंग को कंफर्म कर दिया। सना और स्टारकिड रहने वाले, सना बिल्कुल यहाँ पे हमें पीछे की जानब नज़र आएंगे, स्टारकिड जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे सना की जानब से कवर दिया जा रहा है। लेट्स सी यहाँ पे, और भाई सना को और यहाँ पे जी I8 वालों की भी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। BYTX I8 शांत है जो कि यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट लेती हुई नज़र आए, यहाँ पे 3 किल्स के साथ हैं। और यहाँ पे बकाया टीम्स की अगर हम बात करें तो सारी की सारी टीम्स हमें जोन की जाने भी जोन में नज़र आएंगी, सर्कल में नज़र आएंगी। सिर्फ सिर्फ DBD वालों का स्क्वाड जो कि सर्कल से बाहर रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम ईमान की बात करें, ईमान जो कि 1 किल के साथ है, और जोन यहाँ पे जी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे ड्रॉप भी आ चुका है, एक फंकी सा ड्रॉप रहने वाला है, और जोन बहुत तेज़ी से डैमेज देता हुआ नज़र आ रहा है। ईमान जो कि यहाँ पे हमें गाड़ी लेके जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेट्स सी अगर हम एज पे बात करें तो BYT बॉट रहने वाली है, और सारा है और आयरा है। चुड़ैल्स YT को सपोर्ट कर लिया गया, कंफर्म किया जाएगा। यहाँ पे जोन के अंदर जाना सबसे पहले ज़बरदस्त सीन है। अगर जो टीम यहाँ पे मिड को अच्छे से संभाल लेगी, जोन को सर्कल के अंदर चले जाएगी, वही टीम है जो यहाँ पे ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे जोन बहुत डैमेज करता है। फिर यहाँ पे FM की दो लड़कियाँ फिनिश हो चुकी हैं, तीसरी ऑलरेडी नॉक है। आमिना यहाँ पे क्या जेरी रिवाइव कर पाती है नहीं। और यहाँ पे जी जारी की जानी से स्मोक्स किए जा रहे हैं, स्मोक्स करके यहाँ पे आमिना को रिवाइव करने की कोशिश की थी, करने जा रही थी, बट यहाँ पे जी कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ पे जी जेरी को कहीं ना कहीं हर तरफ से फाइट, और यहाँ पे जी ओ माय गॉड X1 यहाँ पे ले जाएगी ज़बरदस्त यार। यहाँ पे टायरो जो है यहाँ पे नेक्शस ये मान चुके, यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया हुआ था यहाँ पे, और गाड़ी यहाँ पे लेट्स सी क्या यहाँ पे ईमान और शहजादी गाड़ी निकालने में कामयाब हो पाती है नहीं। अगर राइट से राइट करके निकाला जाएगा तो यस ओबियसली बात है गाड़ी निकला, लेकिन यहाँ पे जी गाड़ी जो कि गैराज के अंदर रखी गई थी उसको निकाल लिया गया। यहाँ पे ये प्लेयर्स DBD वाले यार हेवी खेल गए, 7 किल्स के साथ है DBD वाले। और एक दफ़ा फिर से ये लोग फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं PH वालों के साथ, DBD वर्सेस PH। Team 6 वर्सेस Team 5 काफ़ी ज़्यादा दूर है। ओके सो ये लोग राइट से मे बी शायद
प्लान किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एयर ड्रॉप के पास एक टीम है जो कि हमें फाइट करती हुई नज़र आ रही है, डेजी एंड सवाद टोक्यो जो कि यहाँ पे नोक पड़ी है इनको, और डेजी की जानिब से रिवाइव किया जा रहा है। और यहाँ पे भाई डीबीडी शांजे आ चुकी हैं, डीबीडी शांजे ने पीएच नवाली को, और सारी आमने सामने टीम मेट्स रहने वाले हैं। नवाली यहाँ पे नोक पड़ी है, आयरा भी नोक है, BYT बॉट्स सिर्फ रह चुकी हैं। ओके बॉट यहाँ पे रिवाइव करी है आयरा को, ये तीनों टीम्स यहाँ पे फाइट ले रही हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्सस की बात करें तो नेक्सस वाले भी हमें फ़ाइट लेते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे तो हुए। और अगर टायरों की बात करें, टायरों मिर्हा यहाँ पे रिलैक्स कर रही हैं, एमन जो कि यहाँ पे स्नाइपर यूज़ करती हुई नज़र आ रही है, सेवन वालों का ए किल रहने वाला है, एमी उमाइमा चीको एंड रीहा जो कि यहाँ पे फाइट नहीं कर रही फ़िलहाल, यहाँ पे इनकी जानिब से होल्ड ही यहाँ पे ये लोग X1 चूजी वहाँ पे जी X1 चूजी अकेली रह चुकी थी जिसको कंफर्म कर दिया। हेजल को देखे तो यहाँ पे हेजल हमें स्टेल्थ पॉड में नज़र आएगी, यहाँ पे ग्रेनेड्स करती हुई हेजल, और यहाँ पे जी हेजल की जानिब से ग्रेनेड किया जा रहा था, बट फ्लोर यहाँ पे जो कि इनको नॉक कर चुकी हैं, और फ्लोर यहाँ से क्लोजिंग करती हुई यहाँ पे बिल्कुल फिनिश करती हुई आ रही हैं, और यहाँ पे जी फिनिश कर दिया गया है। और ओके शहजादी सिर्फ रह चुकी हैं अपने स्क्वाड की, और लेट्स सी शहजादी क्या करती है। और यहाँ से राइट से प्लान करके जोन की जाने बढ़ेंगी एंड डीवीडी बिशु डीवीडी वर्सेस पीएच यहाँ पे R3G की में भी शायद यहाँ पे जर्नी ख़त्म हो चुकी है, शांत दे जो कि आ चुकी हैं, और भाई शांत दे यहाँ पे नहीं यार, आयरा यहाँ पे शांत दे को ले गई हैं, ईमान और डीवीडी बिशु बिल्कुल अंदर की तरफ है, और R2W सहर बिशु यहाँ पे हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जी सेवन वालों ने बिशु को सपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे जी शांजे जा रही हैं रिवाइव लेने के, यहाँ पे टीम फाइव शांजे को रिवाइव दे पाती है या नहीं। और फाइनली शांजे आ गई हैं, और सेवन वाले टीम 16 भी इनके बिल्कुल क्लोज आ चुकी हैं, देस उमाइमा सेवन दे उमाइमा चीकू पीछे रहने वाली है, और एमी और उमाइमा, और जोन भाई दूसरी जानी बढ़ चुका है, और जोन आएगा बिल्कुल शहजादी। शहजादी वर्सेस उमाइमा, और यहाँ पे जी नेक्सस वालों की जर्नी ख़त्म हो गई है, दो किल्स हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा उमाइमा की जानिब से जिगल देखने को मिला, क्राउच बट यहाँ पे काफ़ी डैमेज उसकी जानिब से भी मिला, बट यहाँ से भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे किल दूसरा प्लेयर यहाँ पे दो किल्स के साथ हैं ये लोग, और चार टीमें अभी तक ज़िंदा हैं, और सारी की सारी टीम्स आमने सामने आ चुकी हैं, और पीएच वालों के एक प्लेयर को कंफर्म कर दिया गया है जीकू की जानिब से, बॉट ऑलरेडी नॉक पड़ी है, R2W ओके जी यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सेवन के एक प्लेयर नॉक है यहाँ पे, LQ5 मर्फी एक्स नोफ ये लोग भी राइट साइड पर रहने वाले, हेल्थ कम रहने वाले, कीकी ने यहाँ पे जी तैर को नॉक किया, बट यहाँ पे शांजे ने भी कीकी को नॉक कर दिया, यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से एक अच्छा कवर देखने को मिला, एक प्लेयर टेक डाउन किया बट यहाँ पे दूसरे को भी नॉक कर दिया। यहाँ पे लास्ट सर्कल में भी थोड़ी सी लूट देखने को मिल रही है डीवीडी शांजे की जानिब से, यहाँ पे हेलमेट वेस्ट उठाया जा रहा है
बिल्कुल यहाँ पे लास्ट सर्कल तक वैसे ही हेलमेट वैसे थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल लूट करती हुई हमें नज़र आ रही, बट ईमान को देखें तो ईमान यहाँ पे स्टेल्थ मोड पे, बिशु भी स्टेल्थ मोड पे है, यहाँ पे रेंगते रेंगते जोन की जानिब जा रही हैं। और यहाँ पे ओपन में ही हमें प्रोन होती हुई नज़र आ रही हैं शांति भी। और यहाँ पे जी शांति ने नॉक किया नॉफ को, और ये नहीं, यहाँ पे जी टीम 15 की जर्नी ख़त्म हो चुकी है। लेट्स सी, बिशु बिल्कुल यहाँ पे लो है हेल्थ, और यहाँ पे जी डीबीडी वालों की जर्नी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे विनर विनर चिकन।